हिमाचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नेता अपनी विधानसभाओं में जुट गए हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर सुन्नी में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां हजारों की भीड़ एकत्रित करके जन्मदिन मनाया गया। जनसभा में विक्रमादित्य सिंह ने केक काटा। इस दौरान जहां उन्होंने 5 सालों में किए कार्यों को जनता के समक्ष रखा, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने शिमला ग्रामीण के अंदर झूठी घोषणाएं की है। जलो के अंदर डिग्री कॉलेज दिया, सुन्नी में एसटीएम दिया, लेकिन ये घोषणा ही साबित हुई है। सुन्नी के अंदर एसटीएम एक दिन बैठता है और 6 दिन बिना एसटीएम के कार्यालय चलता है। इसके अलावा कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरा है। उन्होंने कहा इस क्षेत्र का विकास स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने किया है और विपक्ष में रहते हुए 5 सालों में भी 100 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं। इसके अलावा अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और शिमला ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सुन्नी एसटीएम हर रोज बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण में कांग्रेस की जीत तय है, ये भाजपा के नेता भी मान चुके हैं, लेकिन इस बार मार्जिन की लड़ाई है। उन्होंने जन्मदिन के उपहार के रूप में लोगों से इस बार 3 गुना मार्जिन से जिताने का आग्रह किया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और 22 अक्टूबर को वे अपना नामांकन भरने जा रहे, जिसके बाद शिमला ग्रामीण के साथ ही प्रदेश भर में प्रचार के लिए जाएंगे और हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता वापसी तय है। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। जो काम हो सकते हैं हम उन्हीं को ही, उन्हीं का गुणगान करने में विश्वास रखते हैं। जो भी हो सकेगा आने वाले समय में, अगले 5 साल में, उसको हम पूरा करेंगे। और अभी वर्तमान सरकार ने, जिनके अब केवल 15-20 दिन जिस सरकार के रह गए हैं, उन्होंने शिमला ग्रामीण के अंदर बहुत सी झूठी घोषणाएं करी है। हालांकि जो भी घोषणाएं करी उसका मैं स्वागत करता हूं, मैं कोई नकारात्मक सोच वाला नहीं हूं। जो उन्होंने जलोक के अंदर डिग्री कॉलेज दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। सुन्नी के अंदर जो इस सरकार ने एसडीएम दिया, उसका भी हम स्वागत करते हैं, मगर स्वागत अभी आधा अधूरा है। कॉलेज तो घोषणा तो कर दी, कैबिनेट में तो नोटिफिकेशन ऐलान कर दिया, मगर ना उसके लिए कोई बजट का प्रावधान है, ना उसका डिपार्टमेंट से अभी कोई नोटिफिकेशन हुई है। ये तो जयराम जी हमको सौगात देंगे कि जी अब आपकी सरकार बनेगी, जलोक का कॉलेज अब आप बनाना, मेरे बनाने की जो है वो बस की बात नहीं है। वैसे ही आपका सुन्नी के अंदर एसडीएम की घोषणा आनंद फानंद में करवा दी। ये जो उनके आगे पीछे 2-4 घूमते हैं मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता है कि क्या घोषणा करनी है क्या नहीं करनी है। घोषणा करने के लिए पहले पैसे का प्रावधान होना चाहिए, बजट का प्रावधान होना चाहिए। एसडीएम तो यहाँ पे बिठा दिया, मगर हफ्ते में केवल 1 दिन एसडीएम आता है। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, फुल टाइम एसडीएम आपका सुन्नी के अंदर बैठेगा, यहाँ पे दफ्तर चलाएगा। और पार्ट टाइम के चीजों में हम विश्वास नहीं रखते हैं, बैकडोर एंट्री में हम विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे जितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, हमारे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे पैट टीचर्स हैं, पैरा टीचर्स हैं, एसएमसी अध्यापक है, वॉटर कैरियर है, आपकी आवाज को हम आने वाले समय में और मजबूती के साथ उठाएंगे। आपकी आवाज के लिए नई पॉलिसी सरकार के माध्यम से बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, 4-5, 15-20 दिन के अंदर चुनाव होने जा रहा है और आपका बेटा, आपका भाई 22 तारीख को, आज क्या तारीख है, 17, 22 तारीख को अपना नामांकन फिर से जो है वो शिमला ग्रामीण से भरने जा रहा है। जन्मदिन के उपहार में, और जो मैंने आपको अपने परिवार का सदस्य माना है उसके उपहार में, पिछली बारी के जीत की मार्जिन को आपने 3 गुना बढ़ाना है,
ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और कांग्रेस पार्टी की जीत तो होनी है, ये तय है। ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी जानते हैं इस बात को। जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो भी इस बात को जानते हैं कि शिमला ग्रामीण में जीत होनी है, मगर कितने मार्जिन से होनी है ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, आप लोगों ने ये संदेश देना है।